नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीपी एंटरटेनमेंट। और फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करूंगा उस फिल्म की जिस फिल्म में फिलहाल कई पिछले एक महीने से काफ़ी चर्चा में थी, वो फिल्म गुड न्यूज़ की बात कर रहा हूं, अक्षय कुमार की फिल्म जो थी और वो जो कल रिलीज़ हो रही फ्राइडे को। आज फिलहाल मैंने वो फिल्म देखी है और फिल्म देखने के बाद ये चीज़ मुझे खुद से महसूस हुआ है कि बेहतरीन फिल्म। अक्षय कुमार लगातार पिछले कई सालों से जो काम करते आए हैं उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो लाजवाब एक्टर हैं और उनकी फिल्म की चॉइस जो होती है एक नंबर होती है। और ये गुड न्यूज़ से हम सभी को पता चल जाएगा, जब आप कल फिल्म देखने जाएंगे तो आपको खुद को एहसास होगा कि आखिर क्यों प्रोड्यूसर डायरेक्टर या कोई भी हो अक्षय कुमार की पहली पसंद है। जी हाँ, फिल्म की चॉइस हो, स्टोरी की चॉइस हो या कुछ भी हो, अक्षय कुमार की चॉइस हो कि मुझे किस फिल्म किस प्रकार की फिल्म करनी है, वो अक्षय कुमार समझते हैं और उनकी कामयाबी का यही राज है। यही वजह है कि आज अक्षय कुमार नंबर वन स्टार हैं बॉलीवुड के। जी हाँ बिल्कुल। और फिलहाल मैंने फिल्म देखी है और मुझे ऐसा खुद को लगा है, ट्रेलर की तरह फिल्म भी लाजवाब है। और फिल्म में वही जो आपको लगा रहेगा कि ट्रेलर में नॉर्मल स्पर्म चेंज हो गया, बच्चे चेंज हो जाएंगे या फिर वही स्टोरी जो आपको, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमोशनल कर देंगी आपको, आपको हैरान कर देंगी कि यार ये ट्रेलर में तो मैंने कुछ और देखा था और इसमें कुछ और ही है फिल्म में। और आप खुद फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे, अगर आप एक बार फिल्म देखेंगे तो आपका मन करेगा कि मैं वापस ये फिल्म देखूँ एक बार, क्योंकि स्टोरी जो है ना आपको नया मिलेगा। ऐसा आपको कभी स्टोरी इस तरह से मिलेगा नहीं, किसी का स्पर्म चेंज हो जाए और उसका बच्चा इसके पास चला जाए, उसका बच्चा इसके पास चला जाए और कुछ अलग तरह के एकदम, मतलब आप हंसेंगे भी और लास्ट में आप रोएंगे भी, इमोशनल हो जाएंगे, इस तरह की मतलब स्टोरी है फिल्म में। और मैं आपसे यही कहूँगा, जब मैंने फिल्म देखी एज ए एक्सपर्ट, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि आप लोग भी फिल्म देखें और आप खुद रिव्यू दें। और वादा है मेरा कि आप फिल्म देखने जरूर जाएंगे, दो बार तीन बार जब भी फिल्म देखेंगे तो आपको हंसेंगे, आप लोग हंसेंगे भी और रोएंगे भी, ये पक्की बात है। जी हाँ, तो मेरी तरफ से इस फिल्म को अगर मैं देखना चाहूँगा, अगर मैंने देखा है और एज ए एक्सपर्ट मैं यही बोलूँगा इस फिल्म को कम से कम मेरे को 3.5 से 4 स्टार मिलना चाहिए और जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही स्टार देंगे। और अक्षय कुमार सुपर हिट, सुपर एक्टर और पूरा साल उनके नाम। थैंक यू सो मच। और लास्ट में एबीपी एंटरटेनमेंट आप देखते रहिए और कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।